लाइट भी अच्छा है। चोरीचं प्रमाण साहेब म्हणजे खूपच जास्त आहे, फोन पैसे खूप खूप मोठ्या प्रमाणावर लोक कंप्लेंट करायला मॅक्झिमम लोक येत नाहीत सर, खूप होतं साहेब क्राईम। आपके माध्यम से सबसे पहला सभी मतदारों का आभार मानता हूं कि उन्होंने अच्छा काम करके इतना तकलीफ सहन करके वोटिंग किया है। तो उस दिन बहुत गर्म था, लाइट बार बार जा रही थी, जो कोई समस्या थी उनको मात करके वोटिंग किया उन्होंने, उसके लिए उनका धन्यवाद। और आज हम सब मिलके सब जो प्रमुख सभी पार्टी के लोग हैं, सभी एसोसिएशन के लोग हैं, व्यापारी है, सभी लोग यहाँ पे आए। जो भी समस्या थी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सभी जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किए गए उनके बारे में बात किया। जो जो दिक्कतें हमको आती है, जो सेलर को आती है, खरीदने वालों को आती है, बाकी सब लोगों को जो जो दिक्कतें आती है उस पर सब पे डिस्कशन किया, अच्छा इंतज़ाम करने की कोशिश की है। जो जो इम्प्रूवमेंट चाहिए था, जो इनपुट हमको देना था, जो जनता हमको आके बताती है, सभी लोगों ने उसके बारे में बताया। और सभी लोगों ने उन्होंने सभी जो जो हमने उनको बोला है उसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी उनका क्या इंतज़ाम है वो बताया, और क्या करने वाले और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए जो कोशिश करने वाले वो बताया। इस तरह हर साल से इस साल ज़रा अच्छी तरह इंतज़ाम किया गया है, और जो आगे इम्प्रूवमेंट करना है क्या क्या करना है, अभी तो फिलहाल जो अभी इमिडिएटली जो चाहिए उसके लिए क्या बात हुई है, फिर आगे भी जो करना है उसके लिए भी बात हुई है। हम फिर से आएंगे ये बात करने के लिए। मैं आपके माध्यम से सभी लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो जो पब्लिक को जो दिक्कतें थी वो यहाँ प्रशासन के सामने रखी और वो सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। प्रशासन उसमें मदद करेगी, पुलिस ने भी इस बार अच्छा इंतज़ाम किया है। जो भी दिक्कतें आ रही थी चोरी की हो या जो भी दिक्कतें आ रही थी, दादागिरी है, बहुत लोग कब्जा करते हैं, जो जो दिक्कतें आती है, पार्किंग की समस्या है, सभी समस्याओं पे हमने बताया उनको, और उन्होंने क्या इंतज़ाम किया वो बताया। और हम कल वापस आ जाके वार्ड ऑफिसर के पास भी जो पार्किंग की जो पैसे लिए जाते हैं या जो भी दिक्कतें आती है, जो पार्किंग दूसरे लोग आके जबरन पैसे लेते हैं लोगों से, या जो भी दिक्कतें आती है व्यापारियों को हो या खरीदने वालों को हो और जो कुर्बानी करने को आते हैं उनको, सभी समस्या पे बात की है और इससे अच्छा हल होगा। और हमने कमेटी, हमने उनको विनती की है कि जो जो प्रमुख लोग हैं सभी समाज के और सभी इस जो करना चाह रहे हैं और वॉलंटियर्स भी उनको जो चाहिए उनका भी इंतज़ाम हम सब लोग करेंगे, तो उनका काम भी ईजी हो और सभी लोग जो भी दिक्कत है उनको तुरंत अगर कोई तकलीफ आए तो उसमें हल करने के लिए वो हमारे लोग भी उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर से आपके माध्यम से मैं सारे मतदारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी शुरुआत हुई है, आपके जो भी काम रहेंगे, अभी जो भी मसले रहेंगे, हमारे सब जगह शाखा है, कांग्रेस का ऑफिस है, राष्ट्रवादी का ऑफिस है, समाजवादी पार्टी का ऑफिस है, सभी कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस है, आपके ऑफिस है, यहाँ आप जाइए या हमको डायरेक्ट संपर्क कीजिए, हम आपके जो भी काम रहेंगे, जो भी समस्या रहेंगे, जो भी मसले रहेंगे, आपने हमको चुन के दिया है, सिर्फ मुझे अकेले को सांसद नहीं बनाया, यहाँ पे हर आदमी सांसद है, उनको उतनी ताकत है और आपके काम के लिए हम दिन रात एक करके आपका जनजीवन सुधारने में, आपका आप सुख सोई करने में, और आपकी जो तकलीफ आती है वो आपकी तकलीफ नहीं, आपके साथ हमारी भी तकलीफ है, इस तरीके से हम काम करेंगे। और आप लोग मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ, इलेक्शन में तो आप मदद करते रहे, मसले क्या होते रहे, आगे जो लोगों के काम है वो हम तक आप पहुँचाइए और पॉजिटिवली मिलके काम करते हैं। इलेक्शन हो गया, सब
वो खत्म हो गया है अभी अभी। भाऊ आप सांसद थे या नहीं थे तभी भी पब्लिक के जनता के संपर्क में थे, लेकिन जो हारे हैं वो तो गायब हो गए, ये बार बार बड़े दावे कर रहे थे। देखिए नगर सेवक हो, सांसद हो या विधायक हो या जो भी मुख्यमंत्री बन जाए, वो लोगों के वो बनने से और लोगों का एक अधिकार बन जाता है काम करने का। नहीं तो नहीं भी है, नहीं भी थे तभी भी हम लोग कभी किसी ने काम रोका नहीं है, काम तो चलते आ रहा है। अभी 2 साल हो गए कॉरपोरेशन के इलेक्शन नहीं, पर सब नगर सेवक जैसा काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे हैं। फिर फंड की दिक्कत होती है या जो तकलीफें आती है, पर हम काम करने का रुकते नहीं। जिस तरीके से भी काम कर सके हम लोग सब लोग काम करते आए और आगे भी काम करते रहेंगे और अच्छी तरह लोगों की सेवा करते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मिलेंगे, थैंक यू। जैसा कि आपने बताया कि सांसद महोदय आए थे, उनके साथ जो बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनकी कुछ समस्याएं इस मंडी को लेकर के थी, वो सभी समस्याओं का यहाँ पर जिक्र किया गया और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की गई, जो कि जानवरों के खरीदारी से लेकर के बड़े जानवरों के कुर्बानी तक की सभी बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ और वहाँ पर किस तरीके का इंतज़ाम यहाँ पर हमने कर रखा है उसी के बारे में महोदय जी को बताया गया। और हमने ये भी बताया कि इस साल जो बड़े की कुर्बानी होती है उसको आप स्लॉट बुकिंग ऐप का इस्तेमाल करके अगर आएंगे तो शायद हो सकता है कि आपको किसी परेशानियों की दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसी स्लॉट में आ कर के आप जानवर पहले से ही खरीद के रखा होता है, तो आपको सिर्फ आना है, आपके व्हीकल के साथ आना है, वो स्लॉट बुकिंग ऐप में जा कर के आपको बुकिंग करना है, उसमें गाड़ी का व्हीकल नंबर डालना है और जो भी मोबाइल डिटेल्स है वो डालना है, और बस उसी वक्त पे अगर नागरिक आते हैं अंदर कुर्बानी करने वाले तो मुझे नहीं लगता है कि किसी समस्याओं का नागरिकों को सामना करना पड़े। यही चीज़ें हैं। उसके बावजूद हमने ये भी बताया कि जो बकरा चोरी की वो घटनाएँ पहले हुआ करती थी, अभी उन घटनाओं में बिल्कुल कमी आ चुकी है, क्योंकि उसको QR कोड के ज़रिए हमने आइडेंटिफिकेशन करके रखा है। तो इसके लिए हम जनता से गुजारिश करते हैं कि जो रास्ते पे वो जो बकरा होता है उसकी ख़रीदारी ना करें, क्योंकि वो बकरा हो सकता है चोरी का हो जाए। तो इसके लिए जो आगे की जो घटना घटने वाली है वो हम लोग पूरी तरीके से टाल सकते हैं, जो जो ऑथेंटिक जो शेड में बिका हुआ बकरा होता है उसको ख़रीदने से। सुरक्षा का किस तरह का इंतजाम किया गया कि हज़ारों संख्या में लोग यहां पर? जी जी जी, जो आपने देखा कि पुलिस कर्मी कुछ 22 वॉच टावर्स हैं वहाँ पर उनके पूरे पुलिस कर्मी बिठा करके रखे हैं। उसके बाद महानगर पालिका ने अपने 147 सुरक्षा रक्षक शिफ्ट में डाल के रखे हैं हर शिफ्ट में। उसके बाद आपने देखा रहेगा कि पूरा एरिया CCTV सर्वेलेंस के अंडर है, हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, उसके बाद PTZ कैमरे भी लगे हुए हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये पुख्ता इंतज़ाम जो सुरक्षा के ज़रिए करना होता है वो हमने करा है। उसके बावजूद हमने 24/7 जो हमारा कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर हर किस्म की सुविधा देने वाले, जैसे कि स्वच्छता की सुविधा होती है, जैसे कि सुरक्षा कर्मियों की सुविधा होती है, या फिर जो इंजीनियर्स है जो सिविल काम की सुविधा होती है, ये सब ऑफिसर्स हमने वो कंट्रोल रूम में लगा रखे हैं। और हमने 4 हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं और पूरी तरीके से हमने पूरा एरिया में पूरा दिशा दर्शक फलक लगा करके हम लोगों को जो उसका अवेयरनेस होता है वो करने के लिए हमने जगह जगह पर फलक लगाया। बड़ा ये सब संभालने के लिए कितना चैलेंज है और क्या क्या दिक्कतें आ रही है? जी सर, ये पहली दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि लोगों का मैनेजमेंट करना तो है ही है, उसके बाद जानवरों का मैनेजमेंट करना है, उसके बाद ट्रैफिक का भी मैनेजमेंट करना है, यानी कि ये तीनों तरीके की मैनेजमेंट हम लोग एक साथ एक ही जगह पर करते हैं। ये अगर देखा जाए तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने देखा रहेगा कि मैं तो बोलूँगा कि दुनिया में किसी भी जगह पर इस तरीके का मैनेजमेंट नहीं होता है सर, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ कहीं भी नहीं आती है, और यहाँ पर थोड़ा भी अगर इधर इधर उधर का भी थोड़ा भी अगर कुछ उल्टा सीधा भी हो जाता है तो अगर मैनेजमेंट में किसी तरह की कमी रह जाती है तो इससे नागरिकों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके लिए हमको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। सांसद महोदय ने कुछ आश्वासन दिए आपको? हाँ जी, उन्होंने यही देखा कि अभी फ़िलहाल जो जो ईद का माहौल है, उस ईद के माहौल में जो भी अभी यहाँ से आगे बचे हुए दिन हैं उसमें जो कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं नागरिकों को,
वो सुविधा देने का प्रयास कीजिए, इस तरीके की सूचना महोदय ने हमको दी। भाव को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि भाव ने एमपी बनते ही यहाँ पर दौरा किया और जो कि यहाँ के लोगों के मसाइल हैं उन्होंने सुने और यहाँ पर जीएम के साथ में सारे वो पॉइंट डिस्कस किए उन्होंने और जो भी पॉइंट थे सब पर जीएम ने और यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर मौजूद थे। तो भाव ने जो पॉइंट्स रखे और यहाँ की जनता ने जो पॉइंट्स रखे थे उस पर डिस्कस करने के बाद सभी पॉइंट्स को उन लोगों ने कहा है कि हम ये चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं और ख़ास करके जो यहाँ पर चोरी के मामलात हैं इस तरह के मामलात हैं वो सीनियर से बात की गई है। उन्होंने यहाँ पर 21 पॉइंट बताया, सीनियर ने बताया कि यहाँ पर 21 पॉइंट बनाए हैं और अगर किसी को ज़रा से भी कोई तकलीफ होती है फौरन जगह जगह पे उनकी चौकियाँ बनी हुई है, वहाँ जाके वो कंप्लेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो फौरन पहुँचने की कोशिश करेंगे और जो मसले हैं वहाँ हल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करूँगा लोग आए बेधड़क आए और आप यहाँ पर आके बकरा ईद के बकरे खरीद कर लेके जाए किसी बेखौफ किसी उसके डर के, और यहाँ पे भाव मौजूद है, उन्होंने सारे मुद्दों पे सारी बात की है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि नेता होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि अभी अभी वो सही तरीके से उन्होंने चाहे वो संभाला भी नहीं है लेकिन बंदे ही हो यहाँ पे मौजूद है। मैं भाव का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे देवनार का विजिट करा और हमारी परेशानियों को समझने की कोशिश करी और अभी भाव बने हैं। तो हमारा जो 3 दिन का मसला है कुर्बानी का जिसमें बहुत गंदगी वगैरह हो जाती है और उजड़ी नहीं उठ पाती, ये नहीं उठ पाती, भाव ने उनसे पठान साहब से बोला है, पठान साहब को भाव ने आदेश दिया है कि भाई इसको करो, तो पठान साहब ने बोला है कि भाई कुरैश कमेटी और हमारे साथ में मिल के एक मीटिंग करके और हम लोग इसको करेंगे इंशाल्लाह। बम्बई के किसी भी लोगों को कुर्बानी में परेशानी इस साल नहीं होगी अल्लाह ने चाहा तो, और मैं भाव का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाव ने हमारी कमेटी के लिए आए यहाँ पर और आगे भी हमारे लिए काम करेंगे इंशाल्लाह कुरैश कमेटी के लिए। तहे दिल से भाव की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि 10 साल से हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अनाथ हो गए हैं, यहाँ पे कौन सांसद है हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन 10 साल बाद हमको हमारा खुद का हक का अधिकार वाला सांसद मिला है जो हमारी गोवंडी की समस्या को जानते हैं। 2009 में जब यहाँ पे ये सांसद थे उनको पता है तभी से कि क्या गोवंडी फेस कर रहा है, और देखिए अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4th को और आज वो आ गए हैं हम सबको साथ में, और वो बिलीव करते हैं कि सब साथ में मिलकर काम होना चाहिए, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की जगह पे, लेकिन जब कोई भी सोशल इश्यूज होता है तब भाव सबको लेके चलते हैं। आज आप देख सकते हो यहाँ पे सारी पार्टी के लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, सभी को उन्होंने बुलाया, साथ में लेके काम किया। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आज हमको बहुत खुशी हो रही है, हमको हक का अपना जो नेता है वो मिल गया है। दूसरी बात, महिलाएं भी बहुत ज़्यादातर आती हैं यहाँ पे आजकल मंडी में, तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा जो सैनिटरी का है या वॉशरूम्स है और जो दिक्कतें उनको होती है जैसे मिस इंग्रीडियंट्स होते हैं जो अंदर घुसते हैं, तो उसके बारे में भी जब भाव ने और हमने सब ने रखा इस बात को तो हमको पुलिस से आश्वासन मिला है कि यहाँ पे जो 21 पॉइंट्स है वहाँ कहीं भी जाके आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं और इमीडिएट इफेक्ट उसका जो भी है निवारण किया जाएगा। बस इतनी हमारी बात था कि वन साइड मसाल गिराएंगे और आपको जिताएंगे और बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन है कि उनको यहाँ मान खुश राजनगर के जनता ने वन साइड मसाल पे वोट दे के जिताया। इसके लिए जो है वो यहाँ के रहवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ आज जो जीएम के यहाँ संजय भाव पाटिल ने पहले आभार मानते हुए जो संजय यहाँ का विजिट किया और जीएम पठान साहब के सामने हमने दो पॉइंट बात रखी अपनी तरफ से, बाकी सब साथियों ने रखी कि भाई यहाँ पर जो व्यापारी आते हैं उनके पैसे कलेक्शन के सेव करने के लिए पहले जो SBI वगैरह जो ATM वगैरह थे वो अभी आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा पहले रखे थे इस साल नहीं, लेकिन अभी जीएम साहब ने संजय भाव के सामने ये वादा किया, प्रॉमिस किया है कि हम उसको वापस जो है वो उनके पैसे के सेफ्टी के लिए कुछ प्रबंध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बड़े जानवर के लिए इसके पहले 2 गेट था, अभी हम लोगों ने प्रपोजल रखा कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और मल निसारण के लिए भी प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए जो है 2 की जगह अभी GM ने वादा किया है कि हम 2 की जगह पे 4 की कोशिश करेंगे कि 4 गेट खोलें ताकि यहाँ की जनता को सुख सुविधा मिल सके। धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं संजय भाव पाटिल को, बन करके यहाँ पर विजिट किया और जनता के आशाओं पर खरे उतरे। धन्यवाद। पहले हम लोग मैं हमारे तमाम
भाइयों बहनों की तरफ से, मुसलमान भाइयों और तमाम लोगों की तरफ से भाव को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे भाव जैसे 15 साल पहले 10 साल पहले एक्टिव थी, आज भी वैसी है। जैसे ही पद अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ, अभी तो सरकार बनी नहीं, लेकिन भाव ने सबसे पहले विजिट यहाँ पर किया। और जो सिक्योरिटी का बड़ा मसला था, क्योंकि हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं सोशल के लिए, सामाजिक काम के हिसाब से, तो देखते हैं अक्सर चोरी होती है और पुलिस का कहीं बंदोबस्त प्रॉपर रहता नहीं था। पुलिस रहती थी लेकिन सिर्फ नाम के लिए। ये टाइम भाव के बोलने की वजह से 500 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर और 2 ACP, ये लोग सब यहाँ पर, बताया गया है कि ये लोग यहाँ पर दिन और रात 24 आवर्स की ये लोग जो है सर्विस दे रहे हैं और पब्लिक का ख्याल रख रहे हैं। और उन्होंने स्पेशली बताया कि हमने यहाँ पर अनाउंसमेंट सिस्टम भी रखा है, अगर किसी का कुछ भी चोरी होता, उसमें भले ही मोबाइल हो, पैसा हो, या जानवर का मसला हो, या कुछ कोई और भी प्रॉब्लम हो, उस बारे में हमको कंप्लेंट करें, इमीडिएटली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक पहली टाइम एक अच्छा कदम हुआ कि 500 पुलिस 24 आवर्स यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो अलग है। इसके अलावा पुलिस यहाँ पर 500 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात किए गए। इसके लिए मैं भाव का सबसे शुक्रिया अदा करूँगा। भाव के आने की वजह से ये चीज़ बड़ी, और बहुत सारी जगह साफ सफाई का, बड़े के जानवर की जब कुर्बानी होती है उसका जो गंदगी होती है, भाव ने स्पेशली बोला कि इमीडिएटली उसको सफाई होने चाहिए। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम लोग ने उसमें स्पेशली टाइम रखा है और पूरा क्लीन करके हमारे स्पेशल स्टाफ रहेंगे। और कुरैशी ब्रादरान जो, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का वादा किया है, जो मैनेजर जीएम साहब के साथ मिलकर उनकी भी एक मीटिंग होने वाली है। हमारे भी जो कार्यकर्ता है वो भी साथ में मीटिंग लेके यहाँ पर जो भी साफ सफाई का है, सिक्योरिटी का है, इस बारे में हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। और भाव की जहाँ भी मदद लेंगे, हम लोग इसके पहले भी लेते हैं, आगे भी इनसे मदद लेंगे। थैंक यू।